खोज वर्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ड में आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसके हौसले को लेकर उनके डॉक्टर ही नहीं पूरी दुनिया हैरान थी। उनका शरीर भले ही उनका साथ नहीं दे पाता था, लेकिन अपने दिमाग के कारण उनकी तुलना आइंस्टीन के समतुल्य की जाती थी। उनका आईक्यू 160 था, जो आईक्यू का उच्चतम स्तर था। वे ठीक नहीं होने वाली एक न्यूरो डिजीज नाम की बीमारी से पीड़ित थे, जिसमें मरीज धीरे धीरे शरीर के किसी भी अंग पर अपना नियंत्रण खो देता है और वह सामान्य ढंग से बोल या चाल नहीं सकता। डॉक्टर्स को जब इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अब वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी को कमजोरी नहीं बनने दिया। जब वे 21 साल के थे तो उन्हें एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी से लकवा मार गया। जब उनको ये पता चला कि वे मोटर न्यूरॉन डिजीज से पीड़ित हैं, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरी जिंदा दिली के साथ जीने का निश्चय किया। उस जिंदा दिल इंसान का नाम है प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। ध्यान देने वाली और एक रोचक तथ्य ये है कि उनकी जन्मतिथि भी उसी दिन है जिस दिन महान वैज्ञानिक गैलीलियो की जन्मतिथि है। उनके माता पिता का घर उत्तरी लंदन में था, लेकिन अद्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान लंदन की अपेक्षा ऑक्सफोर्ड अधिक सुरक्षित था। इसके कारण हॉकिंग का परिवार ऑक्सफोर्ड में बस गया। जब वे 8 साल के थे तो वे उत्तरी लंदन से 20 मील दूर सेंट अल्वेंस में बस गए। 11 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सेंट अल्वेंस स्कूल में पढ़ाई की, फिर वे ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी कॉलेज चले गए। उनकी रुचि बचपन से ही मैथ्स में थी, लेकिन पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे। चूंकि उनके पिता खुद डॉक्टर थे, इसलिए वे ऐसा चाहते थे, पर संयोगवश उनकी आगे की पढ़ाई फिजिक्स विषय में हुई, क्योंकि उन दिनों मैथ्स की पढ़ाई उपलब्ध नहीं थी। और धीरे धीरे इसी विषय में उन्होंने कॉस्मोलॉजी सेक्शन में पढ़ाई की। उन्होंने जेने वाइल्ड नामक अपनी प्रेमिका से शादी की तथा अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा। वर्तमान में उनके 3 बच्चे और 1 पोता है। उनके परिवार वाले बताते हैं कि वो अपने बच्चों और पोते के साथ खूब प्रसन्न रहते थे। जब बीमारी का असर बढ़ा तो उनके अंगों ने उनका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी जुबान बंद हो गई। वे न चल सकते थे, न फिर सकते थे और न ही अपनी बात को बोलकर किसी को शेयर कर सकते थे। अंततः वह समय भी आया जब डॉक्टरों ने व्हीलचेयर के सहारे शेष जीवन गुजारने की उनको सलाह दी। वे जिस व्हीलचेयर पर रहते थे, वे कोई सामान्य व्हीलचेयर नहीं थी। उसमें वे सारे उपकरण लगे हुए थे, जिसके माध्यम से वे दुनिया के अनसुलझे रहस्यों के बारे में दुनिया को बताते थे। उनके व्हीलचेयर के साथ एक विशेष कंप्यूटर और स्पीच सिंथेसाइजर लगा हुआ था, जिसके सहारे वे पूरी दुनिया से बात करते थे। हॉकिंग का सिस्टम इंफ्रारेड ब्लिंक स्विच से जुड़ा हुआ था, जो उनके चश्मे में लगाया गया था। इसी के माध्यम से वे बोलते थे। इसके अलावा उनके घर और ऑफिस के गेट रेडियो ट्रांसमिशन से जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों के संसार में जिस क्षेत्र में योगदान के लिए स्टीफन हॉकिंग ने प्रसिद्धि प्राप्त की, वो थी कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और स्पेस टाइम रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन किया जाता है। उन्हें कॉस्मोलॉजी का विशेषज्ञ माना जाता था, जिसकी बदौलत वे थ्योरी ऑफ बिग बैंग और ब्लैक होल्स की नई परिभाषा गढ़ पाने में कामयाब हो सके थे। स्टीफन की चर्चित किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दुनिया की अमूल्य पुस्तकों में से एक है। स्टीफन हॉकिंग को उनके योगदानों के कारण अब तक लगभग 12 बार सम्मानित किया जा चुका है। वे रॉयल सोसाइटी एवं यूएस नेशनल अकादमी ऑफ साइंस के सम्मानित मेंबर भी थे। 12 अगस्त 1909 को उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक बराक ओबामा के हाथों प्राप्त हुआ था। आज दुनिया हॉकिंग को सैद्धांतिक भौतिकी वैज्ञानिक और गणितज्ञ के रूप में जानती है। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च 2018 को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। हाल ही में 2 मई को कैम्ब्रिज ने उनकी नई थ्योरी को रिलीज किया है। उन्होंने ये थ्योरी मौत के 10 दिन पहले ही खत्म की थी। इस थ्योरी के जरिए उन्होंने अपनी पुरानी थ्योरी को गलत बताया है। इस थ्योरी में बताया कि ब्रह्मांड का कोई और छोर भी हो सकता है। वहीं उनकी पिछली थ्योरी में उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड अनंत है। उनकी नई थ्योरी को जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स में पब्लिश किया गया है।
हॉकिंग्स को पुरानी थ्योरी में संदेह पैदा हुआ था कि बिग बैंग के बाद एक नहीं बल्कि कई ब्रह्मांड का निर्माण किया गया होगा। अब हॉकिंग्स ने अपनी नई थ्योरी में कहा है कि अंतरिक्ष में ऐसी जगह होगी जहां धरती जैसा कोई और सौर मंडल हो सकता है। हो सकता है वहां डायनासोर हों, इंसान शिकार करते हों। ये कहना मुश्किल है कि वो बिल्कुल धरती जैसा होगा, लेकिन वहां की जिंदगी मिलती जुलती हो सकती है। साथ ही हॉकिंग ने अपनी पिछली थ्योरी को गलत बताते हुए लिखा है कि बिग बैंग से पहले क्या था ये कोई नहीं बता सकता। अगर कोई दावा कर रहा है तो वो झूठ है। मैंने भी दावा किया था जो इस स्टडी में गलत साबित हुआ। इस थ्योरी को देखते हुए भी कहा जा सकता है कि स्टीफन अपने कर्म के प्रति कितने ईमानदार रहे। उनका व्यक्तित्व करोड़ों लोगों को अवसाद से निकालेगा और उनका हौसला बुलंद करेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।